कॉम्प्लेक्स के बाहर एसएससी के परीक्षार्थी जो है लगातार तीन दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर लोधी रोड स्थित यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि ये एसएससी का दफ्तर है और इसके बाहर यहाँ पर पिछले तीन दिन से लगातार जो सीजीएल के परीक्षार्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि जो सीजीएल फर्स्ट टायर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी धांधलेबाजी हुई थी, उसके बाद फरवरी 2018 में जो फिर से सीजीएल टीयर टू का एग्जाम हुआ उसमें भी धांधलेबाजी हुई, ऐसा इनका आरोप है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ विरोध कर रहे परीक्षार्थी है, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दिलीप हमारे साथ है, एसएससी सीजीएल को लेकर के जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, सीजीएल टीयर वन को लेकर आपका विरोध है, टीयर टू को लेकर आपका विरोध है, उसके यहाँ पे 21 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था जो टीयर टू का पेपर था उसमें क्या आपको दिक्कत है? टीयर टू का जो एग्जाम होता है 21 फरवरी को उसमें भी री एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन पूरा क्या घटनाक्रम बताया क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि बच्चे जैसे ही एग्जाम देकर बाहर आए तो पता चला कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है और उसके अलावा बाथरूम में क्वेश्चन पेपर विद आंसर पाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो वेंडर है उसी वहीं के लोग मिले हुए हैं और ये सारा नेक्सस चल रहा है इन लोगों का। और यहाँ तक कि एमटीएस का जो पेपर हुआ था जिसमें अभी तक टीयर टू का नंबर नहीं बताया गया है, कौन बच्चे पास है ये भी नहीं बताया गया और मेरिट लिस्ट निकाल दी गई और उसमें ये देखा जा रहा है कि लगभग 10-11 बच्चे कंटिन्यू रोल नंबर वाइज पास है, 85% जा रहा है उसका कट ऑफ। पहले 150 में से पहले जाता था उसमें 86-85 कट ऑफ जाता था और इस बार गया है जनरल का 131 गया है कट ऑफ। उस हिसाब से देखा जाए तो सारे में धांधली चल रही है। एसएससी द्वारा जितनी भी परीक्षा आयोजित की जाती है उस पर आपका आरोप है कि उसमें गलत हो रहा है, परीक्षार्थियों के साथ गलत हो रहा है। सीजीएल की अगर मैं बात करूँ, इस माह जो सीजीएल हुआ था इसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए, इसमें आपको क्या दिक्कत है, इसमें क्या धांधलेबाजी लगती है? इसमें साफ तौर पर यही धांधलेबाजी दिखने को मिल रही है कि क्वेश्चन पेपर जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और पता चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर आ चुका है, तो जब आ चुका है तो हम लोग प्रूफ भी दे रहे हैं भाई कि प्रूफ देखो, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं कि आप अच्छा से फॉर्मेट लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ। हम लोग के पास जो मेटेरियल प्रोवाइड होगा जो मिलेगा वही तो इन लोगों को बताएंगे, बाकी जांच करना तो इनका काम है, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। ये झांसा दे रहे हैं झूठ मूठ का कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ये कब तक चलेगा? अभी 4 मार्च को फिर LDC का पेपर शुरू होने वाला है, उसमें भी यही मुद्दा आएगा, यही केस होगा। तो SSC जितनी भी परीक्षा आयोजित करवाता है उसके जो परीक्षार्थी होते हैं यहाँ पर लगभग सभी लोग आए हुए हैं, इनका सबका ये आरोप है कि सारी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आप SSC से बात भी कर रहे हैं कि ये जो धांधलेबाजी है इसमें जांच की जाए, SSC का क्या जवाब है अब तक? SSC कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, उसी साफ बोल रहा है जब तक मुझे परफेक्ट प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें मेरा खुद एग्जाम्पल हम MTS CPO SGL तीनों एग्जाम दिए हैं, MTS में मेरा 122 नंबर आया फिर भी नहीं हो रहा है, CPO 0.5 से हम डाल रहे हैं, CGL मेरा 0.5 से डाल रहा है, ये क्या है, इतना कट क्यों जा, किसे जा रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि जब SSC के अब तक होता आया है कि करप्शन ही होता आया है SSC के सारे प्रोसीजर में, सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर बैठे हैं उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जो 20 लाख 25 लाख रुपए देके अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो 20 25 लाख रुपए कमाएंगे। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आप लोगों की SSC से बात हुई, SSC का क्या जवाब है? SSC मानने को तैयार नहीं है कि धांधलीबाजी हुई है, कोई भी कमीशन ये मानने को तैयार नहीं होता कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, क्योंकि ये उनके ऊपर बात आएगी कि ये भ्रष्ट कैसे हो गया। अब मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा के एग्जाम कम देता हूँ क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार है, मैं SSC का एग्जाम देता हूँ, मैंने CPO दिया, मैंने CHSL दिया, मैंने CGL दिया, अब अगर इनमें भी धांधली होने लगी तो मैं कहाँ जाऊँ? दूसरी बात यह है, अगर UPSC का एग्जाम जो भी होता है उसमें 52% मार्क्स जो लेके आता है वह टॉप करता है। आपने देखा होगा कि अभी MTS का रिजल्ट आया जहाँ पे हरियाणा की कट ऑफ 134 लगी आउट ऑफ 150 विच इज नियर अबाउट 90%। 90% हम बोर्ड एग्जाम में नहीं ले सकते, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पे जो उसके अंदर 90% मार्क्स लेके आना कितना मुश्किल बात है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एकदम हो गया कि सभी बच्चे होशियार हो गए, एक महीने में सारे होशियार हो गए, एक साल में सारे होशियार हो गए, पिछले साल तो इतना नहीं लगा, अब की बार इतना क्यों लग रहा है? तो कट ऑफ जो है SSC जो कट ऑफ जारी करता है विभिन्न परीक्षाओं की, उसके बाद जो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होता है लाइन से, जैसे अभी बताया गया
या MTS के पेपर में लगातार 20-25 रोल नंबर जो है लगातार उनके सिलेक्शन हुए, तो इन सब को लेकर इनका आरोप है। आइए जानते हैं, और भी परीक्षार्थी हमारे साथ हैं यहाँ पर जो अभी अभी जो SSC को लेकर आप यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें SSC की तरफ से जवाब आया कि SIT का हम गठन कर रहे हैं इसमें जांच के लिए, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड करें सिर्फ CBI से नीचे कुछ नहीं, क्योंकि जो SIT होगा वो उन्हीं की कमेटी होगी, उनका फेयर करेगा, जाहिर सी बात है। और MTS यानी CPO के जो मेंस की कट ऑफ है वो 90% गई है, 177 गई है। तो ये बताओ, नेशनल लेवल एग्जाम में अगर आप 90% पे कट ऑफ लगा रहे हो तो क्या पेपर? सर जो UPSC का जो रिजल्ट आता है 0.1 जाता है, 0.2 आ रहा है, लेकिन जो SSC का है 0.001 जा चुका है। सर इसको जाएगा, हमारी एक ही मांग है, आपकी सरकार है, आपकी CBI, आप निष्पक्ष क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हमारे को और मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे को और मांग है फिलहाल जो CPO का जो मेंस पेपर हुआ है 200 नंबर का इंग्लिश का हुआ है, उसमें देखा जाए तो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का 200 में से 176 कट ऑफ गया है। अगर ये दूर दराज के जो बच्चे गांव के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो ये लाने में सक्षम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ये नेक्सस चल रहा है, ये लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं एविडेंस सर, और ये हर पेपर इनका कैंसिल होता है, ये मतलब कि क्वेश्चन आउट करवाते हैं हर पेपर कैंसिल होता है। 17 तारीख को जो पेपर था ना उसका ऑनलाइन पेपर था, और ऑनलाइन पेपर लीक होने का मतलब नहीं, बट 17 तारीख की नोटिफिकेशन जो स्क्रीनशॉट है ना वो मीडिया में पहले ही पहुंच गया, उसके बाद यही 18 को 19 20 और 21 का तो ऐसा हुआ कि हर बंदे को पता था कि नेट पे पेपर है, इसलिए SSC ने अपनी गलती मानी, बट क्या करे टेक्निकल ग्लिच कह के ना मानते हुए कान को दूसरे हाथ से पकड़ा, कहते टेक्निकल ग्लिच हुआ इसलिए उनका 9 तारीख को एग्जाम, दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ, और ये बहुत बड़ा हुआ। खुराना जो है वो कह रहा है कि हमें टेक्निकल ग्लिचेज हुई है, 10:30 बजे पेपर होता है, 12:15 बजे पेपर ले लिया जाता है कि टेक्निकल सपोर्ट गलत हो गया, फिर दोबारा से पेपर गया था वो भी लीक होता है, फिर 9 मार्च को मतलब एक दिन का पेपर आप 3 बार करा रहे हो, तो दैट मींस देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज अ बिग स्कैम बिटवीन खुराना एंड द कैंडिडेट हू हैव द मनी। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, हर साल रहता हुआ, 2013 में भी हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे तब भी ऐसे हुआ था, तब भी दोबारा से एग्जाम हुआ था, तो 2014 भी कंड कराया था, दैट मींस SSC बहुत जगह गलत है और इसे इन्हें मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी CBI इन्वेस्टिगेशन जांच हो। यहाँ पे आप लोग सब यहाँ पर इतने 2-3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई लीडर है जो जाके बात करता है? मेरे लीडर जाकर के बात किए हैं उनसे, लेकिन उन्होंने राय दिया नहीं, जब कल मूवमेंट लीडरलेस है, लीडरलेस मूवमेंट है, कोई लीडर नहीं है, सब लीडर है, कोई लीडर नहीं है यहाँ पर, कोई लीडर नहीं है, हर एक लीडर इंसान है, जितने भी हैं सबके सब लीडर है यहाँ पर। SSC अगर SSC का पेपर लीक नहीं हुआ तो SSC तो क्यों जा रही है कि CBI जांच होनी चाहिए? अगर लीक नहीं हुआ होगा तो कुछ नहीं। अंत में यहाँ पे आखिरी सवाल मेरा आप सबसे, एट लास्ट आपकी SSC से क्या डिमांड है? CBI जांच हो, जल्द से जल्द जितना भी दिन में मतलब कि 1 या 2 महीने में इसका जांच का रिपोर्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो SSC के दफ्तर के बाहर लोधी रोड दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर जो हजारों परीक्षार्थी SSC के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि जो भी धांधलेबाजी की खबरें आ रही है SSC से SSC की परीक्षाओं में, उनकी CBI जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। योगेश सोमकुमार, लोकमत न्यूज.in।